हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे इस नए वीडियो में। फिलहाल दोस्तों अभी देख सकते हो कुर्सी पर बैठे हैं, अभी शाम हो चुका है भाई। और अभी मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ क्योंकि भाई कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि मेरा पेमेंट अभी तक नहीं आया है। ठीक है, तो दोस्तों पेमेंट नहीं आने का दो ही कारण है, मैं आपको बताता हूँ क्या क्या कारण हो सकते हैं जो आपका पेमेंट अभी तक नहीं आया है। फिलहाल दोस्तों आपको जो अपना अकाउंट नंबर गूगल एडसेंस में जो ऐड किए हैं वो आपको देखना होगा कि भाई उस अकाउंट नंबर जो है वो जनधन अकाउंट तो नहीं है। ठीक है, अगर दोस्तों जनधन अकाउंट होगा तो भाई पेमेंट नहीं आएगा। जहाँ पर आपका मेन ब्रांच है, आप बैंक ऑफ इंडिया हो या कोई भी अकाउंट हो आपके पास, तो अपने ब्रांच में जाएं और वहाँ से अगर जनधन अकाउंट है तो उसको दोस्तों आप नॉर्मल में कराएं। ठीक है, उसके बाद ही आपके पेमेंट जो आपके अकाउंट में आएंगे। और जहाँ का दोस्तों आप स्विफ्ट कोड डाले हैं वहाँ पर आप जाइए और वहाँ पर जा करके उनको बताइए कि मेरा पेमेंट अभी तक जो है मेरे अकाउंट में नहीं आया, तो वहीं दोस्तों आपको बताएंगे। और सबसे पहले आप ये काम करो कि जो भी आपका जनधन अकाउंट है उसको आप जनरल में ट्रांसफ़र करो। ठीक है, और दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, कुछ लोग ये भी कमेंट किए थे कि भाई क्या चीज़ लिख के आता है, मतलब जो YouTube से पैसे आते हैं उसमें क्या लिखा हुआ रहता है जो आप पता कर सकते हैं कि ये मेरा YouTube का पैसा है। ठीक है, तो फिलहाल मैं चलिए मोबाइल स्क्रीन पर मैं आपको दिखाता हूँ फिलहाल फ़ोटो। या तो फिर अगर फर्स्ट पेमेंट है भाई एप्लीकेशन वगैरह पहले मांगता है, उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो जाइए अपना ब्रांच में और कॉन्टैक्ट कीजिए कि आखिर पैसा क्यों नहीं आया। तो पैसा फंसता नहीं भाई। ठीक है, ज़्यादातर जिसका जो जनधन अकाउंट रहता है तभी पेमेंट फंसता है। टेंशन मत लीजिए दोस्तों, जाइए अपना ब्रांच और वहाँ से आके कॉन्टैक्ट कीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।